So, programming paradigms, what are programming paradigms and why we are going to discuss here programming paradigms? सबसे पहले तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कम्प्लेक्सिटी का, ठीक है? तो कम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, ये आपको पता है कि कोई भी जो काम किया जाता है, हम कोशिश ये करते हैं कि उसके अंदर रिसोर्सेस कम से कम इस्तेमाल हों, ठीक है? लाइक आप अगर फिजिकली कोई भी काम करते हैं तो आप कहते हैं कि पैसे कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो. सेम कॉन्सेप्ट आपका प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है, ठीक है? तो इसके लिए हास टर्म इस्तेमाल की जाती है, कम्प्लेक्सिटी. अच्छा, ये कम्प्लेक्सिटी की टर्म इसलिए इस्तेमाल की जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, वो भी कम से कम यूज हो, ठीक, और हमारे पास रिजल्ट भी जो है ना, आउटपुट भी जो है वो बेहतरीन है. तो अब ये जो कम्प्लेक्सिटी है, इसको रिड्यूस करना होता है हमने हर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको यूज करते हुए हम लोग प्रोग्राम को राइट करते हैं. अब ये पैराडाइम का मतलब होता है, वैसे लफ्जी मतलब इसका होता है तरीके का, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग जो है. तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो मेथड्स या जो स्टाइल इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कहलाएंगे. और आसान अल्फाज में प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है, लाइक जैसे सी आपके पास जब लिखी गई या सी प्लस प्लस जब लिखी गई, तो उसका एक खास सेंटेक्स डिजाइन किया गया, ठीक है, उस सेंटेक्स को एक खास स्ट्रक्चर दिया गया, तो वो उसका स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो चेंज होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रोग्रामिंग के फील्ड के अंदर कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के खास स्टाइल डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, और उसी की मदद से जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना सेंटेक्स भी डिजाइन करती है, ठीक. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा. तो यहाँ पे हमारे पास मेनली दो तरह के पैराडाइम्स चलते हैं, एक होता है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम और एक होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है. इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोचेस चलती हैं. तो ये एक अलग से ग्रुप बन जाता है. फिर इसी तरह से डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो होता है, इसके अंदर लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, फंक्शनल पैराडाइम होता है, और डेटाबेस प्रोसेसिंग अप्रोचेस जो होती हैं ये आपकी सारी की सारी डिस्कस की जाती है. तो इस तरह से ये दो मेनली ग्रुप जो है वो डिजाइन कर दिए गए हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम के. अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है. द वर्ड इम्पेरेटिव कम्स फ्रॉम द लैटिन इम्पेरो मीनिंग आई कमांड. इट्स द सेम वर्ड वी गेट एम्परर फ्रॉम, दैट्स क्वाइट एप्ट. लाइक जैसे आप लोगों का कोई भी हुक्मरान होता है और वो कमांड करता है और कोई काम होता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोग्रामिंग स्टाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी कमांड्स लिखते हैं और उन कमांड्स के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होता है. लाइक यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे कोड आपको नजर आ रहा होगा. कोड के अंदर देखो, उन्होंने लिखा हुआ है सम प्लस इज इक्वल टू 1, सम प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है. और ये मेन फंक्शन के अंदर उन्होंने एक वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर का, शुरू से बता देती हूँ, इंक्लूड के साथ आपकी हेडर फाइल इंक्लूड की गई, फिर मेन फंक्शन लिखा गया, फिर मेन फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे डेटा टाइप बताई गई, फिर एक वेरिएबल लिया गया, वेरिएबल के बाद उसको एक इनिशियलाइज करवाया गया जीरो के साथ. फिर उसके पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या किया गया कि जीरो में प्लस 1 करवाया गया, फिर दूसरी स्टेटमेंट में 1 में प्लस 2 करवाया गया, फिर 3 में प्लस जो भी रिजल्ट आ रहा था उसको करवाया, फिर इन इन सारी स्टेटमेंट का जो रिजल्ट बना उसमें 4 प्लस ऐड करवा दिया. तो ऐसा करते करते ये 10 तक आ गए. उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि यहाँ पे जो सम कैलकुलेट हो चुका है फाइनल स्टेप पे उसे प्रिंट करवा दिया जाए, ठीक है. तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आपने लिखा प्रिंट एफ, क्योंकि ये सी का फंक्शन है तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हुआ है, सी आउट नहीं लिखा हुआ. तो द सम इज और मैम, परसेंटेज ये कौन बी. सा चैप्टर? हाँ, ये चैप्टर आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैं यहाँ से करवा मैम रही हूँ. आपकी ये आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ, ये चैप्टर बुक में नहीं है इसलिए मैं यहाँ से करवा रही हूँ, ओके मैम, ठीक है। ठीक है. तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे. आवाज आ रही है अब? जी मैम, आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप लोगों के पास यहाँ पे सम, ये प्रोग्राम समझ आया? इसमें तो नहीं किसी को कोई इश्यू?
जल्दी जल्दी आंसर करें। अच्छा जी, ये प्रो अच्छा, इस प्रोग्राम में ना आप लोगों को सिंपली वो ये बता रहे हैं कि आप कमांड करते हैं, ठीक है, और जिसमें कमांड करके इस तरह से आप रिजल्ट अपना लेते हैं ना, ये है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। इसके अंदर आप कमांड्स देते हैं और रिजल्ट लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखें आप ए टू जी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, देयर इज नो ब्रेक, नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने ए से स्टार्ट किया, जी तक लिखा और एंड पर रिजल्ट ले लिया। लेकिन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर क्या होता है कि आप इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे प्रोसीजर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक जो है फंक्शन लिखा, ठीक है, उसमें आपने फॉर लूप लगाई, सम कैलकुलेट किया और फिर उससे बाहर निकल के आप लोगों ने दोबारा से एक प्रिंट किया, तो आपने दो हिस्से बना दिए इस इंस्ट्रक्शन के। तो ये होती है प्रोसीजरल पैराडाइम, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट को ब्रेक करके छोटे छोटे प्रोसीजर्स बना देते हैं। तो इस तरह से आपका काम जो चलता है, जैसे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में आपने लूप लगाई और फिर उससे बाहर आके आप लोगों ने जो है रिजल्ट प्रिंट करवा दिया और रिटर्न जीरो करके मेन फंक्शन को एंड कर दिया। तो लैंग्वेजेस जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम की, उसमें सी प्लस प्लस, जावा और कोल्ड फ्यूजन और पास्कल वगैरह ये कंसीडर होती हैं। और इसमें आप लोगों की प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपको याद होगा मैंने लैंग्वेजेस के जब टाइप्स आपको पढ़ाई थी फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें आपने ये सारी लैंग्वेजेस देखी थी। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ये हमने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही। आपने सिंपली बस समझना है, समझना आपने क्या है, आपने सिर्फ इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है कि अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये दो तरह से है, इम्पेरेटिव है और डिक्लेरेटिव है। इम्पेरेटिव में प्रोसीजरल आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच आती है, और डिक्लेरेटिव में क्या आता है, लॉजिकल आता है। अच्छा, इसमें अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग चले जाएं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको बताया था क्लासेस होते हैं, एक्शंस होते हैं, तो ये उन्होंने यहाँ पे ना आपको सारा बिहेवियर जो है वो शो करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर काम करता है। लेकिन ये आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके हमने पढ़ लेना। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, ये जो होती है, इसके अंदर आपके पास ना एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, और ये जो प्रोसेसर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये आपके कमांड्स को ले लेते हैं और उन्हें पैरेलली प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है NESL, C और C++, ये तमाम लैंग्वेजेस जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है उसके ऊपर काम करती हैं, और आपका मल्टी कोर प्रोसेसर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, तो वो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लेके उन्हें साइमल्टेनियसली प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें इस तरह का सेट ऑफ कोड लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। जैसे इम्पेरेटिव था, ठीक है, इम्पेरेटिव में कमांड्स दी जाती हैं और फिर रिजल्ट दिया जाता है। डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि इसके अंदर लॉजिक जो होती है ना कंप्यूटेशन की, उसको डिफाइन कर दिया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग करवाई जाती है। तो इसमें जो मेन चीज होती है वो हमें ये बताता है कि व्हाट टू डू, ठीक है। डिक्लेरेटिव हमें ये बताता है व्हाट टू डू, ठीक, लेकिन इम्पेरेटिव जो होता है वो हमें ये बताता है हाउ टू डू समथिंग। कमांड्स है ना इम्पेरेटिव में, तो ये बताता है हाउ टू डू समथिंग, लेकिन जो डिक्लेरेटिव होता है ये हमें बताता है कि करना क्या है, एक्सप्लेन करता है उस चीज को, ठीक है, व्हाट टू डू। तो इसमें सबसे पहले लॉजिकल प्रोग्रामिंग है। लॉजिकल प्रोग्रामिंग में आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, इस तरह से। तो ये लॉजिक की एक अलग फॉर्म है मैथमेटिकल नोटेशंस में, लेकिन इसके अलावा भी एक लॉजिक होती है। लाइक जैसे हम कहते हैं कि अली उज्मा और सुलमान जो हैं, अली उज्मा सुलमान जो हैं, ये आपस में बहन भाई हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि अच्छा सुलमान उज्मा का क्या लगता है, तो इट्स अ लॉजिक, ठीक। तो ये जो लॉजिकल, इस तरह की जो लॉजिक डिवेलप की जाती है, जिसको हम NLP कहते हैं या जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डोमेन कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद से जो होते हैं
खुद से स्टेटमेंट्स डिजाइन करते हैं, लॉजिक्स क्रिएट करते हैं और फिर उसकी मदद से हम लोग कोई सा भी आंसर जो है उसको जो है वो शेयर करते हैं, फिर निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कि किस तरह से हमारे पास इस लॉजिक के थ्रू ये आंसर आएगा। ठीक है, लाइक जैसे ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? बोला आगे यार, मैम को तो बड़ा आ रही था यार, मैं कहीं ही फंस गया था यार। आप लोगों को आवाज आ रही है? नो मैम। कोई हालात नहीं है वैसे आप लोगों की। अब आवाज आ रही है? यस मैम। जी अब आ रही है मैम। अब आ रही है। नजर आ रही स्क्रीन? जी मैम। यस मैम। मैम फिर नहीं आवाज आ रही। अभी तो मैं बोली नहीं हूँ, अब आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है। समझ गया। अच्छा जैसे ये देखो, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट नजर आ रही है ना, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हम कहते हैं स्काई इज ब्लू, तो हम ये कहते हैं अच्छा उसको आप जो है ना वो प्रूव करके दिखाएं, तो आप उसके लिए लॉजिक्स डिवेलप करते हैं, तो ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है। ठीक है, लाइक जैसे सुकरात के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक इंसान था, मॉर्टल था, ठीक है, मॉर्टल था, उसको उसको फंक्शन बनाया हुआ, उसमें एक्स डिफाइन किया हुआ, तो एक्स इसका मतलब है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुकरात को। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें हम कहेंगे हाँ जी ये जो है ना ये मॉर्टल है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लॉजिक डिवेलप की जाती है। तो ये जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसके लिए लिस्प या प्रोलॉग लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, तो उसका सेंटेक्स ये है। ठीक, लेकिन हमें इसमें इस तरह से वो इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस आप देखें कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो लॉजिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है उसको यूज करती है। उसमें है प्रोलॉग, एब्सेस, एल्फ, एलिस और सियाओ। ठीक है, ये वाली लैंग्वेजेस जो हैं ये आपकी लॉजिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम के ऊपर काम करती हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल फार्मूलाज जो होते हैं उनको जो है यूटिलाइज करके तो प्रोग्रामिंग की जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो ज्यादातर फोकस जो होता है ना वो आपका, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी होता है, तो लाइक जैसे ये देखें एक फंक्शन बनाया हमने प्राइम नंबर्स का, ठीक है, तो उसको हमने डिफाइन किया। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग, अगर इस तरह के स्टाइल में आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली इन चीजों के लिए काम करती है, तो वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम पे काम कर रही होगी। अच्छा, इसके अंदर हैस्केल, ओकेमल, स्काला, क्लोजर, रकेट एंड जावास्क्रिप्ट, ये वाली लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर काम करती हैं, यानी कि स्पेसिफिकली डिजाइन ही ऐसे की गई हैं, इनके अंदर फंक्शंस वगैरह जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फंक्शंस हैं उनकी मदद से हम काम करते हैं। इसके बाद है डेटाबेस प्रोसेसिंग अप्रोच। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी जो कोडिंग है, हाँ जी क्या पूछ रहे हो, क्या लो लेवल क्या हाई लेवल? बेटा ये जितनी लैंग्वेजेस आप देख रहे हो ना प्रोग्रामिंग पैराडाइम में, ये सब की सब हाई लेवल है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, डेटाबेस प्रोसेसिंग अप्रोच जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो स्पेसिफिकली, बेटा आप लोग अपने जो माइक्स है ना, अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग जो भी अपनी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्पेसिफिकली डेटा और उसकी मूवमेंट उसके ऑपरेशंस के लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो
तो इसके अंदर अब लैंग्वेजेस आप देख लीजिए कि कौन सी डेटाबेस की आपके पास लैंग्वेजेस होंगी। इसमें आप लोगों की SQL वगैरह, ठीक है, और ओरेकल वगैरह, ये इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी। लाइक जैसे ये देखिए, क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जो लैंग्वेजेस यहाँ पे जितनी एग्जाम्पल में आपको पास आई है, सबकी सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कोई भी लो लेवल लैंग्वेज नहीं है। एक चीज ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा, आपने सिर्फ इसमें प्रोग्रामिंग स्टाइल देखना था कि किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, और इनके दो ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली किस चीज पे फोकस किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने आज आपको बताना है एक्चुअली, उस पे अब सब लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो मैं स्क्रीन स्विच कर रही हूँ और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अब हम क्या करेंगे। अब हम प्रोग्राम, एक कोड जो है उसको देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन कोड जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये है कंपाइलर ऑनलाइन, इसका URL नोट कर लें आप लोग सब लोग, onlinegdb.com/online_C++_compiler। ठीक हो गया। अब जी मैम, यहाँ पे आपको ये इधर वाली चीजों पे आपको ना इतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ID के बारे में है और ये क्लासरूम वगैरह डिजाइन करने की चीजें हैं, लेकिन हमने इतना नहीं इसमें घूमना फिरना। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये वाला सारा एरिया जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका कोड विंडो है, ठीक है। ये नीचे कुछ एड्स वगैरह आ रही होंगी, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इस वजह से आपको ये एड्स बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद यहाँ पे आपके पास रन की कमांड आ रही है, ठीक। यहाँ पे ना ऑनलाइन कंपाइलर है, तो आप लोग वैसे ये नॉर्मल कंपाइलर की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। आपको ये कंपाइलर यानी कि IDE जो है ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन हमने कौन सी सिलेक्ट की हुई है यहाँ पे, C++, ठीक है, क्योंकि हमने उसका प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब आते हैं बेसिक सेंटेक्स की तरफ। हैश सिंबल लगा के इंक्लूड लिखा, इंक्लूड लिखने के बाद, इंक्लूड लिखने के बाद लिखा आयो स्ट्रीम, ठीक है। आयो स्ट्रीम के बाद अब ये वो है जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया था। आई डोंट नो स्टूडेंट्स ने सुना कि नहीं सुना, मुझसे ड्यूरिंग लेक्चर एक क्वेश्चन किया गया था कि मैम हम नेम स्पेसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेम स्पेसेस और ये STD क्या है, ठीक। अब आप लोगों की ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लाइक जैसे आप कहते हो कि इंट है, ठीक है, तो इंट इंट क्यों लिखा गया, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने डिजाइन की, उसने कहा कि इंटीजर है ना, तो इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंट आप एज अ डेटा टाइप लिख दें, ठीक। तो उसको एज अ डेटा टाइप लिख लिया गया। इसी तरह यहाँ पे ये जो नेम स्पेसिस है ना, ठीक है, नेम स्पेसिस STD, ये एक्चुअली क्या करती है, जिस तरह आपको सिखाया गया था कि आयो स्ट्रीम डॉट एज जो है, ये क्या करती है, ये एक हेडर फाइल है, ठीक है, और इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं किसकी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। तो लेट सपोज अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई कमांड हमने यहाँ पे ऐसी लिखी हुई है जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद नहीं है, और हमने सिर्फ ऐड भी इसे किया हुआ है और कोई हेडर फाइल भी ऐड नहीं की, तो वो बाकी की इंफॉर्मेशन कंपाइल टाइम पे कहाँ से लेगा। उसको अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए, और ये कि ये इसको कोई इंफॉर्मेशन ना मिले और उसकी वजह से ये ब्रेक हो जाए, हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। इसके अंदर हमारे पास बाकी तमाम जो इंफॉर्मेशन, जिसकी इंफॉर्मेशन कहीं उसको हेडर फाइल में नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे इसको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस नेम स्पेस के अंदर हमने तमाम फंक्शंस और तमाम जितनी चीजें हम लोग नीचे कमांड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके मीनिंग्स डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ लिखा जाता है, और इसको हमेशा हेडर फाइल्स के नीचे ही लिखा जाता है। उसकी रीजन ये कि ऊपर से स्टडी करते हुए आए, अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो आप फिर यहाँ पे इसको सर्च आउट कर लें, और ये किया जाता है मैक्सिमम एरर से बचने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन, इंट मेन। अच्छा, आप दो तरह से लिख सकते हैं, मैंने तब भी डिफाइन किया था। इंट मेन अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे वाइड मेन भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे वाइड मेन लिखेंगे तो यहाँ पे गेट CH लिखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये है क्या,
ठीक है। अगर यहाँ पे इंट लिख रहे हैं तो रिटर्न जीरो का मतलब स्टेटमेंट ये बताती है कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है ना वो सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक। और अगर यहाँ पे वॉइड लिखते हैं और यहाँ पे गेट करेक्टर लिखते हैं तो उसका मतलब भी यही है, ठीक हो गया। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ मेन फंक्शन में एक टेस्ट लाइन हमने अभी लिखी हुई है बस, जिसमें हमने लिखा हुआ है सी आउट करें किसको, हेलो वर्ल्ड को, यानी कि ये जो पूरे का पूरा वर्ड है इसको प्रिंट करवा दें। अब इसको आपने रिजल्ट कैसे देखना है, ऑनलाइन कंपाइलर पे आपने रन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप रन के करेंगे यहाँ पे आपको कंपाइलिंग प्रोग्राम नजर आएगा, ठीक, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया, डन। तो अब अगर मैं कोई भी क्लास असाइनमेंट देती हूँ या कुछ भी कोड के लिए देती हूँ तो आप सिंपली इस यूआरएल को टाइप करें और यहाँ पे जाके ऑनलाइन अपना टाइप करें कोड और उसको कंपाइल करें एंड दैट्स इट, उसका रिजल्ट देख लें। समझ आ गई मैम? ये कौन सा कंपाइलर है? कंपाइलर है बेटा, ये C++ ऑनलाइन कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर्स के बहुत से वेंडर्स हैं, तो ये हम लोग जो है C++ जो है ऑनलाइन कंपाइलर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑनलाइन GDB कंपाइलर, ठीक हो गया। ओके चले ठीक है, बस फिर आज के लिए इतने काफी है, अल्लाह हाफिज। मैम आपने सिलेबस बताना, मैम समझ कुछ नहीं आया, मैंने आप नहीं आया। क्या नहीं समझ आया मैम? आपने सिलेबस बताना था। सिलेबस बेटा मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, समझ क्या नहीं आया ये पूछो। ये जो बोल रहे थे समझ नहीं आया, आप क्वेश्चन पूछे ना, क्या नहीं समझ आया? बेटा आपकी आवाज ही नहीं ठीक आ रही, आप यहाँ तो उसमें मुझे चैट में लिख के भेज दो या ऊंचा बोलो। किसी और को समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? नहीं मैम। नो मैम। अच्छा चलो, जो समझ नहीं आया ना वो नीचे कमेंट कर देना, ये जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी फिर समझा दूंगी। ओके अल्लाह हाफिज़।